हाँ यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हो? आप सभी को राम राम। आप लोग भगवान की दया से ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सभी अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। तो आज रूपमणि अशंक आप लोगों के लिए न्यू रेसिपी लेकर के आ गई है। तो आज आप लोगों के लिए रूपमणि अशंक लिट्टी और चोखा बनाने वाले। तो ये देखिए सारी सामग्री जुटा चुकी हूँ। ये सत्तू है मेरा, इधर प्याज काट के रखी हूँ, इधर आदी है, इधर देखिए नींबू है, इधर मिर्ची है, मंगरेला है, जमाइन है, उसके बाद इधर लहसुन का पेस्ट बना के रखी हूँ, इधर नमक है, नॉर्मल नमक है, इधर काला नमक रखी हूँ, इधर थोड़ा सा मैं धनिया का पत्ता रखी हूँ। तो सारे चीज़ को अभी मिक्स करूँगी, इसमें थोड़ा सा भी तेल डालूँगी, मैं सरसों का तेल डाली हूँ, थोड़ा सा ही डाली। इसको सारे चीज़ को भी मैं मिक्स करूँगी, मिक्स करके मिला लूँगी। उधर आटा देखिए, आटा भी निकाल के रखी हूँ, इसमें भी मंगरेला, जमाइन, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल डाल के मैं इसको गूंद लूँगी। और ये देखिए आप चोखा का भी तैयारी करके रखी हूँ इधर। तो इसको पहले बढ़िया तरीके से मिला लेती हूँ जल्दी से। तो देख सकते हो बढ़िया तरीके से सबको मैं मिला लूँगी पहले। इस तरह से स्टफिंग बढ़िया से इसको पहले मिला लेती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं स्टफिंग को मैं बढ़िया तरीके से मिक्स कर ली हूँ, तैयार कर ली हूँ। अभी अभी आटा को गूंद के रख दूंगी, थोड़ा सा कड़ा सा ही गूंदूंगी, गूंद दूंगी थोड़ा सा कड़ा करके। तो देखिए आप लोग अभी, तो आप लोग देख सकते हैं मंगरेला, जमाइन थोड़ा सा मैं डाली हूँ आटे में, थोड़ा सा इसमें मैं तेल डालूँगी। सरसों का ही तेल डाली हूँ, तो आप लोग घी भी डाल सकते हो उसमें, फॉर्चून भी डाल सकते हो। और ये देख सकते हो आप लोग दोनों नमक में डाली हूँ, थोड़ा सा काला नमक डाली हूँ, थोड़ा सा मैं नॉर्मल नमक डाली हूँ। तो दोनों नमक को दे देती हूँ उसमें। अब इसको आटे इसमें मिला देती हूँ बढ़िया तरीके से, उसके बाद मैं गूंद लूँगी आटे को इस तरीके से। अच्छे से मैं इसको मिला लेती हूँ पहले। तो आप लोग देख सकते हो बढ़िया तरीके से इसको मिक्स कर ली हूँ सब चीज़ को, आटा, नमक, मंगरेला, जमैन, तेल, सब कुछ मैं मिक्स कर ली हूँ बढ़िया तरीके से। सब इसको गूंद लूँगी अच्छे, थोड़ा सा टाइट करके। तो देख सकते हो आप लोग, थोड़ा सा मैं टाइट करके गूंद लूँगी इसको भी। आप लोग देख सकते हो आटे को मैं सख्त गूंदनी हूँ, ये देखिए। उसके बाद इधर मेरा चोखा बना लेती हूँ। तो देख सकते हैं चोखा का सब कुछ मैं इसको, आलू आलू है, टमाटर है, बैंगन है, तो सारी चीज़ में ना पहले सारी चीज़ को मैं धो ली, उसके बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के तो मैं गैस पे पका ली हूँ सभी को। तो आलू थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है, तो इसको मैं थोड़ा सा गैस पे कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के तो मैं पका ली हूँ। उसके बाद सारी चीज़ पक चुके हैं बढ़िया तरीके से, देख सकते हैं आप लोग। तो अभी इसको मैं फटाफट से इसका चोखा बना के तैयार कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं फटाफट से छील ली हूँ। अब इसमें नमक और थोड़ा सा तेल ऑयल डाल के देख सकते हैं, ये देखिए थोड़ा सा मैं सरसों ऑयल डाल रही हूँ, थोड़ा सा इसमें मैं नमक डालूँ। तो देख सकते हैं थोड़ा सा नमक डाली हूँ। अब इसको फटाफट से मैश कर लेती हूँ। इसी में देखिए मिर्ची भी डाल दी थी मैं अंदर में, उसके बाद लहसुन भी डाल दी थी। तो सभी को अभी मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ, इसको फटाफट से गूंद लेती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो मेरा चोखा बनके रेडी हो गया है। तो चोखा को कुच ली हूँ, ऊपर से ना ये मैं थोड़ा सा धनिया का पत्ता थोड़ा सा गार्निश कर दी हूँ ऊपर से। तो देख सकते हो कितनी सुंदर मेरे चोखे बन के रेडी हो गए हैं। ये जो मेरा चोखा बना है ना, इसमें आप मतलब प्याज भी डाल के खा सकते हो, मैं भी नहीं डाली हूँ क्योंकि अगर ज़्यादा लेट हो जाएगा हम लोगों का खाने में ना,
तो ये चोखा जो है बर्बाद हो जाएगा, तो इस वजह से मैं प्याज स्किप कर दी हूँ। अगर आप लोग डाल के खा सकते हो, तुरंत खाना चाहते हो तो डाल सकते हो आप लोग, मैं बाद में डालूंगी इसलिए अभी नहीं डाली हूँ इसमें प्याज। आप लोग देख सकते हो कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दी हूँ, इसमें हल्का सा ऑयल डालूंगी, तो देख सकते हो आप हल्का ही ऑयल मैं डालूंगी इसमें। ये देखिए हल्का सा ऑयल डाली हूँ, तो आप लोग देख सकते हो चारों तरफ इसको फैला दूंगी बढ़िया तरीके से, तो देख सकते हैं आप लोग जल्दी जल्दी से मैं इसमें स्टफिंग को भर लेती हूँ, गोनी बना ली हूँ, तो देख सकते हो इस तरीके से मैं गोनी बना के इस तरह से कर ली हूँ, इसमें भर दी हूँ, उसको मोड़ दूंगी चारों तरफ बगल से, उसके बाद इसमें को मैं कढ़ाई में डालूंगी। देखते हो तो देख सकते हो इसमें भी भर ली हूँ, इसको चारों को मैं भी दे दूंगी कढ़ाई में, तो ये देखिए इस तरीके से। चारों को कढ़ाई में दे दी हूँ, अभी सीजने के लिए अभी इसको थोड़ा सा ढक दूंगी मैं, देख सकते हैं इसको अभी ढक दी हूँ मैं, पकने देती हूँ उसके बाद दिखाऊंगी आप लोगों को। बचे हुए जो गोनी है इसको भी भर के मैं तैयार कर लेती हूँ, तो देख सकते हैं उसको भी पलटा देती हूँ दूसरे साइड से। आप लोग देख सकते हैं दूसरे साइड से पलटा दी हूँ, कितने सुंदर सुनहरे हो चुके हैं, तो अभी इसको मैं ढक देती हूँ। ज़्यादा मैं तेल में नहीं पकाने वाली, थोड़े से ही तेल में मैं पकाई हुई हूँ आज, इसको भी ढक देती हूँ, देख सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो पक रहा है मेरा अभी, देख सकते हो आप एक निकाली हूँ मैं और ये सारे मेरे पक रहे हैं अभी, तो आप लोग देख सकते हो कितने सुंदर बन गए हैं मेरे, सभी को पलटा दी हूँ मैं, तो देख सकते हैं कितने प्यारे हैं। तो देख सकते हैं मेरा लिट्टी चोखा बन के रेडी हो गया है। आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी? तो आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, प्लीज प्लीज प्लीज। तो देख सकते हैं कितनी यमी यमी बने गए हैं। बाय बाय, ऐसे ही मैं न्यू रेसिपी लेकर के आऊँगी फिर से, तब तक के लिए टाटा बाबा।